बहुत सारे किसान पूछते हैं कि सर हम पीएच कैसे चेक करें, पीएच पेपर। तो मैंने बहुत बार पहले बताया है, प्रोब से बताया है, पीएच पेपर से बताया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, इस तरह का पीएच पेपर आपको उपलब्ध हो जाएगा, इसमें नज़दीक लाइए, इसमें कलर की स्केल होती है ना, जो कलर आएगा वही पीएच है ना। तो हाँ, जनरली हम लोग 7 से 7.5 के आसपास का पीएच चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपोस्ट को लेंगे, तो ये चीज आपको 4-5 जगह चेक करना है। अगर ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक जगह चेक करिए चलेगा, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में पीएच का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ी सी कंपोस्ट ली और देखिए मग में पानी ले रखा है, देखिए पानी ले रखा है, ये पानी है, इसमें हमने कंपोस्ट डाल दी। ठीक है, और इसको पूरा ऐसे ऐसे घोल दिया, देखिए यहाँ से दिखाइए नज़दीक से, देखिए हमने पूरा इसको घोल दिया। ठीक है, अच्छे से हिला दीजिए इसको, तो कंपोस्ट है, मिट्टी का किसी भी चीज़ का पीएच ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, ये जो पेपर है देखिए, इसका एक पेपर फाड़ लेंगे, दिख रहा है इस पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये एक पेपर लेंगे आप। अब इसको पूरा नहीं डुबाना है, पूरा डुबाएंगे तो कलर का अंतर नहीं पता चलेगा, सिर्फ आधा डुबाइए और बस झट से निकाल लीजिए, ज़्यादा देर रखेंगे गल जाएगा। अब चूंकि मैं डुबा चुका हूँ, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम फेंक सकते हैं। ठीक है, अगर हमें दोबारा चेक करना हो, अब इसके हम इधर दिखाइए, इसके हम 5 से 10 मिनट सूखने का इंतजार करेंगे तो इसका कलर आएगा। वैसे देखिए हरा हो गया, इससे पता चल रहा है पीएच सही है, क्योंकि देखिए इसमें हरा कलर 7 पीएच का है, 8 का भी है, अभी सूखने पता चलेगा एग्जैक्टली कि 7 का है कि 8 का आया है। लेकिन अगर 7 से 7.5 के भी सही है, लेकिन कई बार लोगों का पीएच 9 आता है। अब जैसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ जाएगा, देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ जाएगा, मैं भी इसकी फ़ोटो भी खींच के इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, जिससे आपको कलर कंपैरिजन आ जाए। तो इस तरह से आप पीएच चेक कर सकते हैं सस्ते तरीके से, प्लस 250 रुपये का जो प्रोब आता है उसको तो आप कई जगह घुसा घुसा के चेक कर सकते हैं, वो मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियो में दिखा रखा है। ठीक है, पीएच चेक करना पूरे खेती के दौरान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भैया ने कल 4 बार पीएच चेक किया था, मुझे फ़ोटो भेजी थी उसको, उसके बाद जब हमें कंफर्म हुआ कि पीएच सही है, तब हमने ये डिसीजन लिया कि आज हमको स्पॉनिंग करनी है। अगर पीएच सही नहीं होता तो हम क्या करते, अगर मान लीजिए पीएच ज़्यादा होता तो हम जिप्सम को 2% पानी में घोलते, जैसे 10 लीटर में 200 ग्राम को घुलनशील होता है जिप्सम, और उसको इसमें इसके ऊपर स्प्रे करके मिलवा देते पानी को, तो लगभग 12 घंटे के अंदर इसका पीएच डाउन हो जाएगा। ठीक है, 7.5-7 के अंदर आ जाएगा, अगर 9 भी है तो भी आ जाएगा। अगर पीएच कम होता, मान लीजिए 5.5 होता, 6 होता, 6.5 होता, तब हम क्या करते, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी इसके ऊपर स्प्रे कराते तो हमारा पीएच उठ जाता। ठीक है, तो पीएच जिसका गड़बड़ हो जाए, पीएच गड़बड़ होता नहीं है जनरली, कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करते हैं तभी पीएच होता है। वो गड़बड़ी कई प्रकार की है, जैसे हमने मुर्गी की खाद गलत तरीके की ले ली, बहुत पुरानी ले ली, पलटाई ठीक से नहीं हुई, कंपोस्ट में एरेशन पाइप विधि में नहीं किया है तो एरेशन अच्छे से नहीं हुआ, आपने बहुत ज़्यादा पानी का वॉश दे दिया, वाटर वॉश हो गया, पानी की स्प्रे ज़्यादा कर दिया, तो कई कारण हैं जिसके कारण से पीएच डिसबैलेंस होता है। थैंक यू।